2019 में केवल 17% घरों में नल के कनेक्शन थे, जिस कारण देश की लाखों महिलाओं और बच्चों पर रोजाना मीलों का सफर तय करने, परिवार के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी थी। इन महिलाओं को इस कठिन परिश्रम से आजादी दिलाने और देश के हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले, और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन से जुड़कर महिलाओं को सिर्फ पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर भी मिले हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो जल जीवन मिशन से जुड़कर देश के सामने मिसाल बनकर सामने आई हैं। ऐसी ही एक मिसाल है गुजरात के शिनाय गांव की पानी समिति सदस्य उषाबेन मलस्तर। कच्छ जिले के शिनाय गांव के लोग पानी की सप्लाई के लिए पड़ोस के गांव के ट्यूबवेल की लाइन से आने वाले कम्युनिटी वाटर टैंक पर निर्भर थे, लेकिन गंदला और खारा पानी होने के कारण ये पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं था। ऐसे में उषाबेन ने गांव की कुछ और महिलाओं के साथ मिलकर इसका हल ढूंढ निकाला। એટલે એના માટે અમે ગામ લોકો સાથે બેઠક કરી, પાણી સમિતિની બેઠક કરી, અને ત્યારબાદ અમે એવું નિર્ણય કર્યું કે નવી લાઈન અને નવા બોર ત્યાં અમે બનાવીએ, અને જેથી લોકોને અમે સારી ગુણવત્તાવાળું પાણી આપી શકીએ। તો એમના સહયોગથી અમે અત્યારે જે 26 લાખ રૂપિયા જેનું અમે કામનો 10% લેખે લોકફાળો ભરવાનો હતો તે અમે ઘરે ઘરે જઈ અને ઉઘરાવી। आज चिनाई के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। उषाबेन की अगुवाई में अब चिनाई के लोग गांव के पास के एक लगभग 500 साल पुराने बांध की मरम्मत कर उसको फिर से उपयोगी बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। उषाबेन सही मायने में एक वाटर वॉरियर है। कर्नाटक के हावेरी जिले में चिक्कुरावठी गांव की पुष्पावती की कहानी भी खुद पर भरोसे और पक्के इरादे से भरी है। पति की मौत के बाद परिवार के पालन की जिम्मेदारी पुष्पावती के कंधों पर आ गई। ऐसे में पुष्पावती जल जीवन मिशन से जुड़ी और गांव की पहली वाटर वुमन बनी। ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಳ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಳ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ 55 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಮತ್ತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದು, ಪಿಡಿಯವರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಒಂದು ವಸೂಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತಂದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। आज पुष्पावती पंप ऑपरेशन से लेकर सामुदायिक अंशदान इकट्ठा करने तक की सारी जिम्मेदारी बखूबी उठा रही है और अपने परिवार का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही है। जल जीवन मिशन से महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदली है, इसका जीता जागता उदाहरण लद्दाख के उमला गांव की सेवांग डोलमा की कहानी से मिलता है। 13,900 फीट की ऊंचाई पर बसे उमला गांव की एक अलग समस्या थी। पानी का अकेला स्रोत पास की एक नदी थी, लेकिन मौसम और रास्ता था बेहद मुश्किल। तबे तनाचा स्कला न पों जाने आले ते गुन लोनाने या उन छुकारी खुरे ता छपिना खुरे टोपो छनो या नानो। जल जीवन मिशन से आज उमला गांव के सभी घरों में नल से जल आ रहा है। गांव में ये जल क्रांति कुछ समय पहले तक अकल्पनीय थी। ताजा जीवन जीते रहा हर बच्चा बच्चा छुप हम सही ना जा स्किप पर आ गया ना ना नाम चार गया। महिलाएं अब अपना वक्त पानी लाने में नहीं
बल्कि काम करने में बिताती हैं और परिवार में आर्थिक योगदान देती हैं। लड़कियां अब अपना ज्यादातर समय पढ़ाई को दे पा रही हैं। देश के कोने कोने में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिनका जीवन जल जीवन मिशन के कारण आसान और बेहतर हुआ है। लाखों महिलाएं हैं जो अपनी लगन और जज्बे से जल जीवन मिशन को एक नए मुकाम पर ले जा रही हैं। इन सभी महिलाओं को हमारा सलाम।